ड्यूटी से घर लौट रहे मेल नर्स को रेस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को बचाने सबूत मिटाए गए। आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। सिंगरौली में बुधवार देर रात हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रही थी। बुधवार रात में हादसे के बाद लोगों ने पुलिस को रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली सौंपा था। पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए ट्रॉली की रेत को मौके पर फैलाकर ट्रैक्टर को रवाना कर दिया। पुलिस के रवैये से गुस्साए लोगों ने गुरुवार को बैढ़न बीजापुर मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रशासन की समझाइश के बाद परिजनों ने जाम खोला। हादसे में उसने वहीं दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर की नंबर प्लेट तोड़ दी। इसके बाद ट्रॉली की रेत को घटना स्थल पर फैला दिया। इसी ट्रैक्टर से शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। यहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोतवाली पुलिस क्षेत्र में अवैध रेत का कारोबार करवा रही है। रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टरों से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। शिकायत करने पर फरियादी को ही पुलिस थाने में बंद कर दिया जाता है। हर ट्रैक्टरों से थाने व चौकी की पुलिस महीने में एंट्री लेकर अवैध रेत का परिवहन करा रही है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।